हेलो मेरे पास बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी जमकर चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में सातवें चैप्टर अल्कोहल, फिनोल तथा ईथर का वन शॉट देखने वाले हैं। आपको बता दें बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा खास है और वैसे भी आपके सेकंड केमिस्ट्री में जितने चैप्टर हैं सबके सब खास हैं। और इसमें अगर आप थोड़ा अपना दिमाग सही से नहीं चलाओगे, अपना दिमाग चौकन्ना नहीं रखोगे बच्चों, तो यूं समझिए ये ऊपर से निकलेगा। बट डोंट वरी, आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस चैप्टर को भी निपटाने वाले हैं। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कितने ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको अपन बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों चैप्टर का मतलब। अल्कोहल, फिनोल और ईथर, ये सब होते क्या हैं? अल्कोहल क्या है, फिनोल क्या है, ईथर क्या है, इनके बारे में जानते हैं। अल्कोहल, फिनोल और ईथर, ये आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है ना? ये चैप्टर का नाम है बच्चों। तो देखिए, अल्कोहल होता क्या है? अल्कोहल जब किसी हाइड्रोकार्बन में, जब किसी हाइड्रोकार्बन में OH समूह जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं अल्कोहल। ठीक, जैसे बच्चों कोई R है, ठीक है ना, R एल्किल ग्रुप हो सकता है। अगर OH समूह जुड़ा है तो वो क्या है? तो वो होगा अल्कोहल। ठीक, OH समूह जुड़ा है, अल्कोहल होता है। किसमें जुड़ा होता है? तो ये एल्किल ग्रुप में। R क्या है? एल्किल समूह है, चाहे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और फिनोल क्या होता है? तो फिनोल जब बेंजीन में, ठीक, बेंजीन में बच्चों OH समूह जुड़ा हो, अगर बेंजीन में OH समूह जुड़ा होता है, ठीक, तब वो कहलाता है फिनोल। तब क्या बनता है? फिनोल। और ईथर क्या होता है? जब ऑक्सीजन में बच्चों ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल ग्रुप जुड़े हों, ठीक, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर एल्किल समूह जुड़े होते हैं, जैसे इधर भी R है और इधर भी R डैश लिख देते हैं, ठीक, एक मिनट, ये R है, O है और इधर R डैश। अब R डैश क्यों लिखा, चलिए इसका थोड़ा लॉजिक समझते हैं। देखिए बच्चों, जो ईथर होता है, ईथर में दोनों तरफ के जो समूह हैं यानी एल्किल ग्रुप हैं वो सेम भी हो सकते हैं, ठीक, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब दोनों तरफ का जो एल्किल समूह है वो समान हो सकता है और असमान भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों इस तरह से लिखा है CH3O, तो इसे सममित ईथर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सममित ईथर कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों तरफ के जो एल्किल समूह है वो दोनों समान है, CH3 है, तो ये क्या होता है? ये सममित। कभी कभार पूछ लेता है कि सममित ईथर क्या होता है, तो याद रखना बच्चों कि जब, ठीक, ऑक्सीजन के दोनों तरफ के जो एल्किल समूह हो वो समान हो, सममित ईथर हो जाता है, ठीक। और असममित कब होता है बच्चों? तो असममित में दोनों अलग, जैसे इधर CH3, ठीक, O, और इधर हम C2H5 ले लें, है ना, इस तरह से, ठीक, इस तरह से हो जाए। या फिर हम लिख सकते हैं जैसे CH3CH2OCH3, ठीक, इस तरह से है, वही चीज आगे पीछे चाहे जैसे लिखो है, ठीक। तो इस तरह से क्या है, ये दोनों के दोनों असममित में आते हैं। किसमें बच्चों? असममित, असममित, ठीक। तो ये सममित असममित का सीन समझ में आ गया, इसीलिए हमने इधर R, इधर R डैश लिखा है, क्लियर। तो ये है अल्कोहल, फिनोल, ईथर। अब अल्कोहल और फिनोल दोनों मिलते जुलते हैं। जैसे बच्चों, अगर अल्कोहल में हम पूछ लें अल्कोहल के प्रकार, तो अल्कोहल के प्रकार में बात करते हैं तो इसमें बच्चों हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो अल्कोहल होता है वो कितने प्रकार का होता है, चलिए देखते हैं। मोनो हाइड्रिक अल्कोहल, एक मोनो हाइड्रिक अल्कोहल होता है, दूसरा होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, उसके बाद एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर इससे ज्यादा हो तो हम अगला लिख सकते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं? जब बच्चों
क्या होता है कि एल्किल समूह में एक OH समूह जुड़ा हो, जैसे लिख लिया है CH3, इसके साथ एक OH समूह जुड़ गया है तो इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर हो गया, ये परिभाषा भी पूछता है बच्चों। अब सेम इसी तरह का फिनॉल में भी है, और फिनॉल में भी जब एक एल्कोहल मतलब एक OH समूह जुड़ा हो जाए फिनॉल में, तब उसे क्या मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। क्लियर, जैसे इस तरह से दोनों साथ में लेके सम चलेंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। पहले समझ लेते हैं कि भाई ये कितने प्रकार के होते हैं ये चीज। अब उसके बाद डाइहाइड्रिक में, डाइहाइड्रिक में दो मतलब OH समूह जुड़े हों, जैसे CH2 इसके साथ एक OH जुड़ गया और CH2 इसके साथ एक OH, तो इसके को डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं, डाइहाइड्रिक। ठीक, इसी तरह इसमें भी आएगा, इसमें भी बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यानी इसमें भी भाई एक OH समूह ये जोड़ दिया, एक OH समूह ये, ठीक, फिनॉल में, तो ये डाइहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। अब जैसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल जब एल्किल समूह या फिर हम कह लें हाइड्रोकार्बन में तीन OH समूह जुड़े हों बच्चों, क्या हो, तीन OH समूह हो, ठीक, इस तरह से जब तीन OH समूह जुड़ जाते हैं तो इसको ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। अब इसी तरह फिनॉल वाले में भी होगा, इसी तरह से फिनॉल वाले में भी होगा बच्चों, जैसे इस तरह से हम लिख दें, इस तरह से हम लिख दें, ठीक, ये ऐसे करके हमने क्या किया, तीन OH समूह जोड़ दिया इसमें फिनॉल में, तो ये क्या है, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। ठीक, अब पॉली कब लगता है, पॉली शब्द तब जुड़ता है जब तीन से अधिक हो जाएं। ठीक, यहां पर भी जुड़ जाए, यहां पर तीन से अधिक, यानी जैसे इसमें तीन OH हैं और तीन से अधिक OH समूह जब जुड़ जाते हैं किसमें, एल्किल समूह में या फिर हाइड्रोकार्बन के साथ, तब वो कहलाता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इतना समझ में आ गया बच्चों कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक, पॉली, इसी तरह से हमने क्या बताया, इसमें भी आपका चलता है, ठीक, कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ठीक, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, और इससे ज्यादा एक और जुड़ जाए तो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल चलता है। और ये रहा आपका, इधर है ईथर। तो ये थोड़ा बेसिक चीजें हैं कि भाई एल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं, ईथर क्या होते हैं। क्लियर हो गया, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो चलिए रसगुल्लों, अब देखते हैं हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, क्योंकि वन शॉट है तो वन शॉट में जितने कम समय में इंपॉर्टेंट टॉपिक को लपेट सको वही वन शॉट होता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट अगर करना हो कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया, चलिए अब हम देख लेते हैं, चैप्टर की तरफ चलते हैं। ठीक, जैसे कि भाई पहला क्वेश्चन है एल्कोहल क्या है, इनके निर्माण की विधि व रासायनिक गुण लिखिए। देखिए बच्चों, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, सब में वही चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एल्कोहल है, एल्कोहल और फिनॉल, इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इसमें देखिए, एल्कोहल तो वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिनॉल और ईथर भी है बट उतना नहीं जितना ये, इसलिए एल्कोहल का पूरा भाई, एल्कोहल क्या है, इसके निर्माण की विधियां, इसके रासायनिक गुण, इसका परीक्षण सब देखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए, एल्कोहल क्या होते हैं, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, और इनका जो सूत्र होता है बच्चों वो ROH होता है। तो जैसे हमने बताया ना एलिफैटिक, एलिफैटिक का मतलब जिसमें कार्बन की एक चेन बनती है, जैसे CH3 CH2 OH लगा दिया, तो वही कह रहा है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी समूह, OH समूह को हाइड्रॉक्सी समूह बोलते हैं, कि व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, एल्कोहल। लाइक दैट, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 ठीक, OH, इस तरह से, मतलब ये कार्बन की कितनी भी लंबी चैन बन जाए उसके साथ अगर OH समूह जुड़ा हुआ है बच्चों तो वो कहलाता है एल्कोहल। इसका फार्मूला क्या होता है, ROH, क्योंकि R का मतलब ही है, चाहे तो CH3 हो ठीक, या फिर C2H5 लिख सकते हैं, या C3H7, ये सब R का मतलब होता है, यानी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ऐसे
ठीक, इस तरह से करते आप चले जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब देख लेते हैं कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये टॉपिक तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अल्कोहल के प्रकार। सबसे पहला है प्राथमिक अल्कोहल, या इसी को 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ठीक, जैसे हमने बताया ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कह रहा है कि जैसे CH3 है, ठीक, इसमें डायरेक्टली एक OH समूह, भाई प्राथमिक कार्बन से ही तो जुड़ा है ना। इसमें बच्चों जो OH समूह है वो पहले ही कार्बन से जुड़ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगा, या इसी को 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला है द्वितीयक अल्कोहल। देखिए द्वितीयक अल्कोहल क्या होते हैं बच्चों, तो ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे द्वितीयक अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे बच्चों CH3, ठीक, बाकी CH2, ठीक, CH2 यहां पर आपका एक OH CH3 CH OH CH3 इस तरह से, तो इसमें देखिएगा बच्चों ये क्या है, इसमें जो कार्बन है पहला है दूसरा है तीसरा, नंबरिंग करेंगे तो दूसरे पे है, तो भाई इसी को कहते हैं 2 डिग्री या द्वितीयक, क्या कहेंगे, द्वितीयक अल्कोहल बोलेंगे। ठीक, बस इतना सा लॉजिक है कि जब मतलब क्या होता है, OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, इधर से देखिए 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 है ना, तो द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए इतना हो गया, अब देख लेते हैं तृतीयक अल्कोहल। देखिए तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, तो ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, सीधी सी बात है बच्चों, तृतीयक कार्बन परमाणु से, लाइक दैट, जैसे CH3, ठीक, CH2, CH यहां पर OH लगा दिया, CH2 CH3। अगर हम देखेंगे इसमें OH समूह, भाई पहला यहां पर ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा, इधर से भी नंबरिंग करेंगे पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे वाले पे OH समूह जुड़ गया है, तो इसे क्या कहेंगे रसगुल्लो, इसे बोलेंगे 3 डिग्री या तृतीयक अल्कोहल। समझ में आया कि जब OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं, और जब OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो द्वितीयक अल्कोहल बोलते हैं बच्चों, और जब OH समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला है अल्कोहल के निर्माण की विधियां। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल देते हैं बच्चों, हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है अल्कोहल के निर्माण की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। फायदा ये है, हमने हिंदी इसलिए लिख दिया है बच्चों ताकि आपको दिक्कत ना हो रिविजन में, है ना। डायरेक्टली भाई रिएक्शन भी लिख सकते थे लेकिन उससे थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको, और ये लिख दिया है तो आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपका जो केमिस्ट्री होता सेकंड पार्ट में ओनली रिएक्शन ही लिखना होता, क्या होता है जब उसमें भी रिएक्शन, निम्न को कैसे प्राप्त करोगे उसमें भी रिएक्शन, और उसके बाद नेमिंग रिएक्शन जो होता है उसमें भी केवल रिएक्शन लिखना होता है, यानी सब में केवल और केवल जो अभिक्रिया होती है वो केवल समीकरण लिखना होता है, हिंदी नहीं लिखना होता है, और ना तो आपको वहां लिखना होगा, डायरेक्टली बोलेगा कि अल्कोहल के बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए, ऐसे क्वेश्चन करेगा। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं अल्कोहल को बनाते कैसे हैं। पहला है एल्किल हैलाइड से,
एल्किल मतलब R, हाइलाइड का मतलब X, R X से कैसे बनाते हैं। एल्किल का मतलब हमने बताया ना बच्चों, चाहे CH3 रख लीजिए इसके जगह मिथिल रख लीजिए, या C2H5 एथिल रख दीजिए, या C3H7 प्रोपिल रख दीजिए, ये सब एल्किल ग्रुप हैं। और X का मतलब क्या है, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब ठीक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब एक्स यानी हैलोजन तत्व के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आई। चलिए, तो कह रहा है कि भाई पहला है एल्किल हैलाइड से, तो एल्किल हैलाइड से एल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया क्षार के जलीय विलयन से कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। तो भाई एल्किल हैलाइड हम कोई ले लेते हैं बच्चों, जैसे CH3 ठीक, CH3 एल्किल हो गया, हैलाइड में यहां पे Cl, CH3Cl हो गया, और इसकी क्रिया कराते हैं कह रहा क्षार से, तो NaOH एक हमने कास्टिक सोडा यानी क्षार ले लिया ठीक। जब इसकी हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों, देखिए क्या बनेगा भाई, CH3OH एल्कोहल ही तो अपने को बनाना है, तो CH3OH एल्कोहल एथिल सॉरी मेथिल एल्कोहल बन गया। अब भाई ये Na पे प्लस चार्ज होता है ना भाई, ये जुड़ते कैसे हैं, हमें पता है बच्चों कि Na पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस, तो ये NaCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा NaCl ठीक। तो ये मेथिल एल्कोहल है और ये क्या है, साल्ट यानी नमक ठीक, ये क्या है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल ठीक, एल्कोहल क्लियर हो गया। चलिए, तो इस तरह से हम एल्कोहल बना सकते हैं। अलग हालांकि हमने बताया ना आपको केवल केवल रिएक्शन ही यानी समीकरण ही वहां पर लिखना होगा, इतना याद रखना ठीक, ये हिंदी लिखने की जरूरत है नहीं। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं, कार्बोनिक यौगिकों से, कार्बोनिक यौगिकों से कैसे बनाते, कार्बोनिक यौगिक का मतलब जैसे आपका एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब कार्बोनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं बच्चों। तो लिखेंगे कि कार्बोनिक यौगिकों के अपचयन द्वारा एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल जैसे जैसे एल्डिहाइड का ठीक, एल्डिहाइड का कोई ले लेते हैं CH3CHO ठीक, CH3CHO वैसे नाम पढ़ेंगे IUPAC में तो एथेनल हो जाएगा ठीक। चलिए, तो यहां पर क्या है, इसको ले लिया है। अब देखिए बात कह रहा है अपचयन की, अपचयन में होता क्या है, तो भाई हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं ठीक, तो इसका जब अपचयन होगा क्या प्राप्त होता है बच्चों, क्या बनता है, तो अपचयन के स्वरूप क्या बनेगा, एल्कोहल। तो यहां से CH3CH2OH ठीक, CH3C और H2 और OH यहां पर है, तो ये बन गया आपका, वैसे देखेंगे नाम क्या हो जाएगा, ये एथिल एल्कोहल या एथेनॉल ठीक, एथिल एल्कोहल दो है तो दो पे एथ होता है, एक रहता है तो जैसे इसमें है तो मेथ होता है, तो ये मेथिल एल्कोहल, दो कार्बन है तो एथिल एल्कोहल, तीन कार्बन होता तो प्रोपिल एल्कोहल ठीक, इस तरह से चार होता ब्यूटिल एल्कोहल, याद रखा ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरह से बच्चों हम क्या है, एल्कोहल का निर्माण करते हैं, यानी इस तरह से एल्कोहल बना सकते हैं। क्लियर, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा शोरगुल हो रहा होगा तो उतना कोऑपरेट करना बच्चों, क्योंकि अब गांव देहात में जान ही रहे भाई, काम धंधे का सीजन है ना इधर। चलिए अगला है एमीन द्वारा, एमीन द्वारा कैसे एल्कोहल बनाते हैं, तीन रिएक्शन देख लेते हैं, वैसे भी एक या दो ही आता है बट डोंट वरी। तो एमीन से कैसे एल्कोहल बनाते हैं बच्चों, तो एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एल्कोहल बनाता है। तो एमीन का कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, इसमें भी जैसे CH3OH सॉरी एमीन बोल रहा है, CH3NH2 एमीन, नाम हो गया मेथेन एमीन, मेथेन ये मिथिल है समझिए, ये एमीन तो मेथेन एमीन, मेथेन में एमीन जोड़ेंगे मेथेन एमीन, एक एमीन ले लिया, इसकी क्रिया कराना है नाइट्रस अम्ल से, तो HNO3 अगर होता तो नाइट्रिक अम्ल पढ़ते, HNO2 हो गया तो नाइट्रस अम्ल हो जाएगा ठीक, तो ये क्या हो जाएगा नाइट्रस अम्ल।
नाइट्रस अम्ल हो गया। अब इसकी जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ध्यान से समझिएगा भाई। एक एल्कोहल अपने को बनाना है तो CH3OH यहां से ले लिए, एक N यहां है, एक N यहां है, तो N2 नाइट्रोजन गैस हो गया बच्चों, ठीक। CH3OH यहां से एक O, एक H, H2O और साथ में यानी जल बन गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। नाम क्या हो जाएगा, तो वही मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, ठीक। मेथिल एल्कोहल या फिर इसी को आईपीएसी में जैसे मेथेनॉल पढ़ते हैं, ठीक। इस तरह से अब देखते हैं बच्चों एल्कोहल के रासायनिक गुण, ठीक। एल्कोहल मतलब किनके साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है, इसमें भी वही चीज बच्चों, केवल रिएक्शन मतलब केवल और केवल समीकरण लिखना होगा। आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ हिंदी लिख दिया है, बाकी आप बोर्ड एग्जाम में हिंदी नहीं लिखेंगे, ठीक। लिख भी देंगे कुछ होगा नहीं, लेकिन वहां पर दे ही देता है नोट में कि भाई केवल समीकरण लिखिए, तो जितना बोला जाए उतना करिए, फालतू का कोई मतलब नहीं है ना। चलिए पहला है धातु हाइड्राइड से क्रिया, धातु हाइड्राइड से, तो लिखेंगे एल्कोहल धातु हाइड्राइड से क्रिया करके बच्चों क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो धातु हाइड्राइड के साथ क्रिया कराना है, जैसे C2H5OH कोई एल्कोहल ले लिया हमने, इसकी क्रिया कराना है धातु हाइड्राइड से, तो Na सोडियम धातु हो गया, H लगा दिया हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड से ये क्रिया कर लिया। अब क्या बनाएगा देखिएगा, ध्यान से समझना बच्चों क्या बनाएगा, C2H5, ठीक। C2H5O है तो ये C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड, क्योंकि धातु ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम हो गया एथॉक्साइड, यहां से C2H5, ठीक, यहां से C2H5O उठाया, यहां Na जोड़ दिया। अब बचा क्या है बच्चों, बचा क्या है H2 यानी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी बाहर निकल जाएगी, क्लियर हो गया। तो ये है एल्कोहल का रासायनिक गुण कि जब धातु हाइड्राइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है, ये धातु ऑक्साइड, नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम लिखेंगे तो सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड, क्लियर भाई। CH3 होता सोडियम मेथॉक्साइड, इस तरह से बात समझ में आई बच्चों। चलिए तो चलिए इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलिए हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, अगला टॉपिक है यानी जो अगला रासायनिक गुण है वो है कार्बनिक अम्ल से क्रिया, ठीक। कार्बनिक अम्ल से क्रिया, कोई भी हमने बताया कि आप कार्बनिक वही चीज, इसके पहले जो कार्बोनिक या कार्बनिक बताए थे जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। तो एल्कोहल की जब क्रिया बच्चों कार्बनिक अम्ल से कराते हैं तो एस्टर बनता है, इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण भी कहते हैं, ठीक। अगर डायरेक्टली पूछ ले कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं तो इतना याद रखना, जब एल्कोहल की क्रिया कार्बनिक एसिड से कराते हैं तो एस्टर बनता है, इसी प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। जैसे बच्चों एल्कोहल में अगर हम देखें तो C2H5, ठीक, OH एल्कोहल ले लिया, इसकी क्रिया किससे कराना है, ठीक, इसकी क्रिया हम करा देते हैं कार्बनिक अम्ल से, किसी से, जैसे CH3COOH, ठीक, CH3COOH एसिटिक अम्ल, ठीक। ये क्या है, क्योंकि COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का है ना, सही भाई, COOH जब समूह होता है तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं, है ना, इसको आईपीएससी में भी बताए थे। ये जब आपस में क्रिया करते हैं, जब इनकी क्रिया होती है बच्चों तो क्या प्राप्त होता है, ध्यान समझना, एस्टर बनता है, तो हो जाएगा CH3COOH, ठीक, इधर C2H5, ठीक, CH3COOH C2H5 यहां का उठा लिया। अब बचेगा क्या, एक H यहां बचा है, एक H ये है, तो H2O यानी जल बन गया, इसी को बच्चों बोलते हैं एस्टर, ठीक, इसको क्या कहते हैं, एस्टर बोलते हैं,
या वैसे नाम देखेंगे ना तो इसे एथिल एसीटेट पढ़ेंगे, क्योंकि C3COO को एसीटेट पढ़ा जाता है, तो एथिल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। या इसी को भाई अगर हम एक साधारण नाम के हिसाब से कहते हैं तो एस्टर कहते हैं इसको। क्लियर। चलिए अगला है बच्चों की हैलोजन अम्ल से क्रिया। हैलोजन अम्ल के साथ जब क्रिया होती है तो क्या बनता है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों एल्कोहल हैलोजन अम्ल से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। एल्कोहल में कुछ भी ले लीजिए, CH3OH। अब आप कहेंगे बार बार वही चीज लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, C2H5OH ले लीजिए, C3H7OH ले लीजिए, सब है एक ही, सब सब ये क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तो ये हमने ले लिया, इसकी क्रिया कराना है हैलोजन अम्ल। हैलोजन का मतलब बच्चों जैसे HBr ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, HF ले सकते हैं, तो ये सब के सब क्या है, ठीक, HI ले सकते हैं, ये सब हैलोजन अम्ल हैं। तो इनकी क्रिया कराएंगे किससे, हैलोजन। तो हमने HCl एक हैलोजन अम्ल ले लिया। क्लियर बच्चों। चलिए जब इनकी हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो CH3 यहां से हो गया एल्किल, हैलाइड के लिए भाई यहां पर Cl, CH3Cl, मेथिल क्लोराइड, या ये एल्किल को दर्शा रहा है, Cl हैलाइड को दर्शा रहा है, तो इसीलिए एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ठीक, एल्किल हैलाइड हो गया। और क्या बनेगा इसके अलावा बच्चों, क्या बचा, यहां पर H है तो ये H2O हो गया। ठीक, इतना। या फिर इस रिएक्शन को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे कह रहा है एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब ROH, एल्कोहल। ये क्रिया किसके साथ कर रहा है, हैलोजन अम्ल, यानी HX, ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो जब इसको करेंगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा भाई, RX बन जाएगा, RX और प्लस यहां पर H2O था, तो इस तरह से। तो ये क्या है, एल्किल हैलाइड। हमने बोला ना जो ये होता है CH3CH2O5, ठीक, या फिर C3S, मतलब C3H7, ये सबके सब बच्चों R को दर्शाते हैं, एल्किल ग्रुप, पहले ही भी बता चुके हैं। ठीक, X क्या होता है, हैलोजन तत्व। ठीक, जैसे ये ClBr, I हो गया, ठीक, F हो गया, ये सब, ये सब। क्लियर। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बच्चों ये टॉपिक, इसके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो सब कम है। ये बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एक ऐसा कोई साल नहीं जब ये ना पूछा जाए। और इसके जो पूछने का तरीका है बच्चों, वो तरीका अलग अलग होता है। पूछता है कि ल्यूकोस परीक्षण क्या है, या कहेगा ल्यूकोस अभिकर्मक किसे कहते हैं, या फिर कहेगा बच्चों की प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं, या फिर कहेगा कि भाई एल्कोहल की पहचान करने की विधि लिखिए। तो बच्चों इसके जो पूछने का तरीका है ना, वो कई तरीके से पूछता है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है रसगुल्लों। चलिए देखते हैं कि ल्यूकास परीक्षण होता क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है। देखिए जिंक क्लोराइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक, सॉरी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1:1 के अनुपात का जो मिश्रण होता है उसी को कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। मतलब बच्चों निर्जल जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 और साथ में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो मिश्रण होता है, अगर हम रेशियो की बात करें बच्चों तो इसमें जो रेशियो होता है 1:1, ठीक, मतलब ये 1:1 के अनुपात में होता है। जितनी मात्रा ZnCl2 की होगी उसकी उतनी मात्रा ये, तो इसको एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो यही मिश्रण ही क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। अब देखिए ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा होता क्या है बच्चों, तो ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है, और यह जो परीक्षण है अल्कोहल की क्रियाशीलता पर ही निर्भर करता है। अब पहचानते कैसे हैं बच्चों, चलिए वो देखते हैं। इसमें करते क्या हैं, तो इसमें जो अल्कोहल होता है ROH, ये क्या है अल्कोहल का फार्मूला, अल्कोहल में बच्चों HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं किसकी उपस्थिति में, तो यहां पर उपस्थिति होती है जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक, जब इसको मिलाते हैं तो बनता है एल्किल क्लोराइड का अवक्षेप,
RCl, एल्किल क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ में बच्चों ये क्या बन जाएगा जो निकलना है, यानी जल बाहर निकल जाएगा। क्लियर, जल बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इसी रिएक्शन के बेस पर अल्कोहल की पहचान करते हैं। अब कैसे करते हैं चलिए वो देखते हैं। देखिए होता क्या है बच्चों कि जब अल्कोहल के 3 से 4 ml विलयन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिला देने पर यदि कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, यानी कोई रिएक्शन नहीं होती है, देन वो क्या हो जाता है, प्राथमिक अल्कोहल। एकदम सिंपल तरीके से लिखना है बच्चों, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। यही इसीलिए हमने बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम सरल शब्दों में लिखा है ताकि आप इस चीज को कभी ना भूल पाओ। ठीक, हमने क्या बताया बच्चों कि जब अल्कोहल में ये ल्यूकास अभिकर्मक मिला देते हैं, मिलाने के बाद कोई रिएक्शन ही ना हो, यानी विलयन में कोई हलचल ही ना हो, तब पता कर लेते हैं कि वो जो अल्कोहल है कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है। क्लियर हुआ। उसके बाद बच्चों दूसरा कि यदि 5 से 10 मिनट में अभिक्रिया होती है, यानी रिएक्शन होने में 5 से 10 मिनट का वक्त अगर लग जाता है, तब पहचान लेते हैं बच्चों कि वो कौन सा अल्कोहल है, द्वितीयक। यानी 5 से 10 मिनट में ये एल्किल क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, तब ये पता चलता है कि जो अल्कोहल है वो द्वितीयक अल्कोहल है। बात समझ में आई बच्चों। चलिए तीसरा क्या है कि यदि तुरंत ही अभिक्रिया होती है तो वो कौन सा अल्कोहल होगा, रसगुल्लों, तृतीयक। मतलब जैसे ही अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं और तुरंत ही तत्काल रिएक्शन हो जाए, तत्काल ही बच्चों एल्किल क्लोराइड का अवक्षेप बन जाए, तब ये पता चलता है कि भाई ये जो अल्कोहल है वो कौन सा है, तृतीयक अल्कोहल। तो इस तरह से अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। बात समझ में आई ना, एकदम सिंपल सा लॉजिक है रसगुल्लों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हमने क्या बताया कि जब अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक की कुछ बूंदें डाल देते हैं और कोई रिएक्शन ही ना हो तो वो प्राथमिक अल्कोहल हो, और जब रिएक्शन होने में 5 से 10 मिनट लग जाए तो कौन सा अल्कोहल, तो वो द्वितीयक अल्कोहल हो जाएगा, है ना, द्वितीयक। और उसके बाद यदि मिलाते ही तुरंत तत्काल ही रिएक्शन करने लगे, तत्काल ही क्या हो जाए बच्चों, हलचल हो जाए, यानी एल्किल क्लोराइड का अवक्षेप बन जाए, तब वो रिएक्शन कौन सी है, तब वो अल्कोहल कौन सा है, तृतीयक अल्कोहल। बात समझ में आई। चलिए तो फटाक से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अगला टॉपिक क्या है, फिनॉल क्या है। अल्कोहल के बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते थे बच्चों हमने देख रखा। ठीक, अब फिनॉल क्या है और फिनॉल के निर्माण की विधि लिखिए। ठीक, इसमें भी पूछ लेगा कि फिनॉल के बनाने की किसी एक विधि का मतलब समीकरण लिखिए, केवल इतना कहेगा रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फिनॉल क्या है, ऑलरेडी हम आगे देख चुके हैं बच्चों कि फिनॉल क्या होता है। तो बेंजीन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल कहते हैं, बताने की जरूरत है नहीं, इसके पहले भी इसके बारे में बताया बच्चों, यानी कोई बेंजीन है। ठीक, और बेंजीन में अगर OH समूह जुड़ा हो, ठीक, बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं, बेंजीन में OH समूह जुड़ा हो तो वो क्या कहलाएगा, वो हो जाता है फिनॉल। बात समझ में आई बच्चों। ठीक, वो क्या हो जाता है, फिनॉल हो जाता है। तो ये क्या है, किसका प्रतीक है, तो ये फिनॉल का प्रतीक है। ठीक, ये किसका प्रतीक है बच्चों, यानी किसका फार्मूला है, फिनॉल का। समझ में आया। अब देखिए फिनॉल के निर्माण की विधियां देखते हैं जो जरूरी है। पहला है डाई एजोनियम लवण से, डाई एजोनियम लवण से फिनॉल को कैसे बनाते हैं। ठीक, तो बच्चों डाई एजोनियम लवण को जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो फिनॉल बनता है। पहले भी बता चुके बच्चों आपको वहां रिएक्शन नहीं लिखना है, यहां पर आपकी सुविधा के लिए हमने वहां पर ये थ्योरी नहीं लिखना है, इतना आपकी सुविधा के लिए हम बता रहे हैं आपको। तो डायरेक्टली जो अभी हम रिएक्शन लिखेंगे ना, समीकरण वही छापना है। तो डाई एजोनियम क्लोराइड, तो बच्चों बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक, ये क्या है, बेंजीन हो गया। ठीक, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड,
N2 भाई Cl है तो डाइएजोनियम क्लोराइड पढ़ते हैं इसको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया किससे कराना है, तो इसकी क्रिया कराना है बच्चों जल से। जल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, ये भी देख लीजिए, तो भाई सल्फ्यूरिक, ठीक, किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है भैया फिनॉल। अपने को फिनॉल बनाना है तो यहां पर बनेगा बच्चों फिनॉल, ठीक, फिनॉल यानी यहां पर OH OH समूह जोड़ देते हैं और क्या बनेगा, OH तो हो गया, N2 हो गया यानी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक, यहां पर OH तो जोड़ दिया, एक H बचा है और एक Cl यहां पर है, तो ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्राप्त हो गया, समझ में आया। और बना क्या बच्चों, तो ये ही है फिनॉल, क्या है, फिनॉल है, ठीक। तो इस तरह से फिनॉल का निर्माण डाइएजोनियम लवण से किया जा सकता है, आई बात समझ में, चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों अब देखते हैं अगला टॉपिक, टॉपिक मतलब यानी जो अगली विधि है, तो हैलो एरीन से, ठीक, हैलो एरीन से कैसे बनाते हैं, हैलो एरीन का मतलब क्या होता है, जिसमें जो आपके जो एरीन वाली संरचना होती है ना, एक होता है एलिफैटिक एक एरोमेटिक, ठीक, हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर बताया था। हैलो एरीन में क्या होता है कि बेंजीन में हैलोजन तत्व जोड़ देते हैं तो हैलो एरीन बनता है, हैलो एल्केन में क्या होता है हाइड्रोकार्बन में जब हैलोजन तत्व, तो हैलो एरीन से कैसे बनाते हैं फिनॉल, चलिए देखते हैं बच्चों कि क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, जिसे जल द्वारा मतलब जिसे अम्ल द्वारा अपघटित करके फिनॉल बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक, एकदम कहाना दिमाग एकदम चौकाना रखिए, एकदम सिंपल है, सीधा सीधा दिमाग में घुसेगा, नहीं तो ऊपर से बाउंस कर जाएगा, और वैसे भी बच्चों ये सेकंड केमिस्ट्री अगर आप थोड़ा मेहनत नहीं करेंगे तो परेशान करेगी, बाकी आप देख ही रहे हैं कितना इजी है, ठीक, सब तरीका अपना होता है बच्चों की पढ़ने का तरीका। तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन तो ये हैलो एरीन का एक एग्जांपल, हमने बताया ना हैलो एरीन कब कहा जाएगा, जब बच्चों आप बेंजीन में आप कोई हैलोजन तत्व तो सीएल जोड़ दिया तो हैलो एरीन ये बन गया, ठीक, इतना होना चाहिए, ठीक। तो वही चीज कह रहा है कि जब क्या करेंगे कि क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ, तो क्लोरोबेंजीन को ले लेते हैं अपन, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला हमने लिख लिया, ये बेंजीन हो गया, ऊपर सीएल लगा दिया, क्लोरो हो गया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराना है बच्चों क्षार के साथ, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार के साथ हमने क्रिया करवा दिया, तो ये क्या बनेगा बच्चों, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड, ये फेनिल की स्ट्रक्चर है, ठीक, ओ लगा दिया ऑक्साइड हो गया, Na लगा दिया फिनॉल हो गया, ठीक, मतलब सोडियम हो गया, तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो रहा है। अगर हम देखेंगे तो भाई यहां पर Na है O है, ये HCl, अब जो बच्चों HCl बना है यानी इसके नीचे जो HCl है तो इसी HCl के द्वारा यानी अम्ल द्वारा ये अपघटित होकर के क्या बनाएगा, तो इसी अम्ल से अपघटित होकर के ये बनाएगा बच्चों फिनॉल, क्या बनाएगा रसगुल्लों, फिनॉल बनाएगा, यानी यहां पर हम OH लगाएंगे, ठीक, OH तो Na और Cl है, ये निकलेगा NaCl, ठीक, ये निकलेगा NaCl, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, फिनॉल, ठीक, यही हो जाएगा फिनॉल। तो इस तरह से बच्चों फिनॉल बनाते हैं, यही तो बोल रहा है ना कि सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को, नाम क्या है इसका, क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरो जब बेंजीन की क्रिया हम क्षार से कराते हैं NaOH से, तो ये सबसे पहले बना सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक, क्या बनता है बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड, तो सोडियम फिनॉक्साइड बना, और उसके बाद जब सोडियम फिनॉक्साइड किसके, HCl यानी अम्ल के द्वारा अपघटित होकर फिनॉल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इस तरह से भी फिनॉल बनता है, बात समझ में आई, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है बच्चों थोड़ा कारण वाले प्रश्न है। हालांकि कारण वाले प्रश्न ठीक आप जब देखेंगे इसके पहले भी हम करवा चुके हैं, आप केवल इतना समझ करिए मतलब ट्वेल्थ केमिस्ट्री कारण बेस्ड क्वेश्चन ठीक या रीजन बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से आप कुछ भी सर्च मारते हैं तो मिल जाएगा। कारण संबंधी प्रश्न हमने बताया भी है ठीक। तो देखिए कारण संबंधी प्रश्न में बच्चों इसमें कारण पूछता है, क्या कारण है। जैसे क्वेश्चन क्या है, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है क्यों, या फिनॉल अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है क्यों, या क्या कारण है कि फिनॉल अम्लीय अम्लीयता को दर्शाता है इस तरह से, या फिर पूछता है बच्चों कि फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल क्यों कहते हैं, कई तरह से पूछ सकता है लेकिन सबका मतलब एक ही है। तो देखिए सिंपल सी बात है बच्चों, जो फिनॉल है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, इसी कारण इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। यानी फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल क्यों कहते हैं, तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है इस कारण। और अम्लीय क्यों होती है बच्चों, तो इसका कारण यह है कि फिनॉल में जो OH समूह होता है वो ऋण विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा होता है। ये जो होता है बच्चों ये ऋण विद्युतीय ठीक, ये ऋण विद्युतीय ये फेनिल समूह है और इसमें जो OH समूह जुड़ा होता है ठीक वो क्या होता है, जो OH समूह होता है ऋण विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा होता है, यही कारण है ठीक। ये क्या है पूरा का पूरा, ये जो फेनिल समूह है आपका, ये जो फेनिल समूह है बच्चों ठीक, इसको पूरा फेनिल समूह बोला जाता है ना। फेनिल समूह मतलब जहां पे इस तरह से हो ठीक, IUPAC में भी आप देख चुके हैं, ये फेनिल समूह कहलाता है। और ये पूरा का पूरा बच्चों ऋण विद्युतीय ठीक, ये ऋण विद्युतीय लक्षण को बताता है ठीक, ऋण विद्युतीय। तो वही कारण है ना कि जो फिनॉल में OH समूह होता है वो ऋण विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा होता है, इसी कारण इसकी प्रकृति अम्लीय होती है और ये जब क्षार से क्रिया करता है तो हमेशा साल्ट बनाता है ठीक। ये जो फिनॉल होता है जो अम्ल से जब क्रिया मतलब ये जो क्षार से क्रिया करता है क्योंकि अम्लीय प्रकृति होती है और ये जब क्षार से क्रिया करेगा तो हमेशा साल्ट बनाएगा, लवण बनाएगा, इतना याद रखना ठीक है। तो सिंपल सी बात है बच्चों बस इतना कि इसका कारण यह है कि जो फिनॉल में OH समूह होता है वो ऋण विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा होता है, इसी कारण इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, बस और कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वैसे हमने इस क्वेश्चन को करवा दिया है ऑलरेडी दो बार, चलिए इसलिए इस पर ज्यादा वक्त देंगे नहीं ठीक। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथर क्या है, ईथर क्या है और ईथर के निर्माण की विधियां व रासायनिक गुण लिखना है आपको। ईथर किसे कहते हैं तो चलिए देखते हैं बच्चों, वह यौगिक जिनमें दो एल्किल अथवा एरिल समूह एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं ठीक। उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, ईथर कहते हैं। तो इसके बारे में तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं ना, हमने इसके पहले शुरू में ही बताया बच्चों, जब क्या होते हैं जैसे दो ठीक दो इसमें दो, अगर देखेंगे तो दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप हैं ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें हमने बताया ना जैसे CH3O CH3 लिख सकते हैं ठीक, या फिर हम बच्चों CH3CH2O CH3 ऐसे लिख सकते हैं ठीक, या फिर CH3CH2O CH2 ठीक CH2CH3। तो ये हो जाता है आपका एल्किल ग्रुप वाला। इसमें अगर हम देखेंगे बच्चों तो दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हैं ठीक, और जिसमें कह रहा है कि दो एल्किल अथवा एरिल समूह, अब एरिल समूह जुड़ जाए, एरिल का मतलब है बच्चों बेंजीन वाला फेनिल ग्रुप ठीक, फेनिल समूह। जैसे अगर यहां पर इस तरह से भी जुड़ जाए ठीक, इस तरह से एरिल समूह ठीक, इस तरह से भी अगर जुड़ रहा है तब भी वो क्या होगा, ईथर ही होगा ठीक, क्योंकि ये एलिफैटिक वाला है, ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। इतना समझ में आ गया
तो ये चीज होता है। बाकी इसमें हमने बता ही दिया है भाई कि जो ईथर होता है बच्चों, प्रकार भी कभी कभार पूछ लेता है, तो याद रखना रसगुल्लों, इसको भी बता चुके हैं कि कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है सममित, ठीक, एक सममित ईथर होता है, और दूसरा क्या होता है, असममित होता है, ठीक, असममित ईथर। जैसे ये चीज देखो सममित है, ये असममित है, और ये भी क्या है, असममित है। जब दोनों तरफ के एल्किल समूह बराबर रहे, सेम रहे, तो सममित ईथर होता है। दोनों अगर भाई क्या है, जैसे इधर देखेंगे तो इधर मेथिल है लेकिन इधर एथिल है, तो ये असममित होगा। इधर देखेंगे तो इधर एथिल है जबकि इधर क्या है, मेथिल एथिल प्रोपिल यानी प्रोपिल है, तो दोनों तरफ अलग अलग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये असममित हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि वह यौगिक जिसमें दो एल्किल अथवा एरिल समूह एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं ईथर, ठीक। चलिए अब देखते हैं ईथर के निर्माण की विधियां, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। चलिए बच्चों, ईथर के निर्माण की विधियां देखते हैं, ईथर को कैसे बनाते हैं। चलिए देखिए, पहला है अल्कोहल के निर्जलन से, अल्कोहल के निर्जलन से, तो दो मोनोहाइड्रिक दो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के निर्जलन से ईथर प्राप्त होता है बच्चों, ठीक। अब दो मोनोहाइड्रिक का मतलब हमने बताया, दोनों के दोनों सेम ले लीजिए, चाहे आप CH3OH ले लीजिए एक, और एक क्या हो जाए, जैसे C2H5OH ले लीजिए, हालांकि दोनों क्या है, मोनोहाइड्रिक है। तो जब इनकी हम क्रिया कराएंगे आपस में, जब इनकी रिएक्शन होगी तो ईथर बनेगा। ईथर बच्चों यहां पर CH3, ठीक, क्या बनेगा, ईथर बनेगा, यानी CH3, और ये एक O है तो O लगा लिया। अब इधर वाला C2H5, तो ईथर बन गया, और साथ में क्या बचेगा, देखिए C2 मतलब CH3O यहां से लिया और C2H5, ठीक, ये इधर से, तो H2O, तो क्या बन गया, जल बन गया। क्लियर हुआ, जल बन गया बच्चों, ठीक, ये क्या है, ईथर है, ठीक। तो ये वैसे देखेंगे तो ये एथिल मेथिल ईथर है, या फिर इसी को बोलते हैं जैसे हम इथॉक्सी मेथेन बोलते हैं, तो इस तरह से। तो आईपीएससी में नहीं घुसेंगे, आईपीएससी में जाना नहीं है अपने को, बस इतना याद रखो कि ईथर बन रहा है, क्योंकि ये क्या है, ईथर के निर्माण की विधियां है। बोलेगा ईथर के निर्माण की दो विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो अपने को केवल समीकरण लिखना, यह भी नहीं छापना है कि क्या कैसे बनता है। बात समझ में आई, ये तो आपकी सुविधा के लिए हम लिख दिए हैं। दूसरा है एथिल आयोडाइड से, तो एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराने पर ईथर बनता है, ठीक। जैसे हम ले लेते हैं बच्चों एथिल आयोडाइड, ठीक, एथिल आयोडाइड यानी C2 एथिल आयोडाइड, ठीक, C2H5I एथिल आयोडाइड, इसकी क्रिया कराना है सोडियम एथॉक्साइड से, यानी C2H5ONa, ठीक, क्योंकि इसको देखिए ONa लिखा है, तो इसको यहां पर ध्यान दे समझना बच्चों, Na क्या है, सोडियम है, C2H5 तो ये एथॉक्साइड पढ़ा जाएगा, CH3O होता मेथॉक्साइड पढ़ते, इस तरह से। तो सोडियम एथॉक्साइड से इसकी जब क्रिया कराते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, तो मिलता है बच्चों ईथर, ईथर मिलता है, यानी यहां से C2H5, यहां से C2H5 उठाइए तो हो गया C2H5O हो गया, और इधर से भी C2H5, है ना, C2H5 यहां से, क्योंकि ये धनात्मक है, ये पूरा ऋणात्मक पार्ट है, इसमें भी ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये वाला इधर, ठीक, तो ये C2H5 यहां से लिया, एक O ये है, और उसके बाद C2H5 बचा क्या बच्चों, NaI, सोडियम आयोडाइड, क्या बच गया, सोडियम आयोडाइड, ये भी क्या है, ठीक, ये भी ईथर ही है, ठीक, यानी ईथर बना है। अब कौन सा है भाई, वैसे देखेंगे कि तो डाई एथिल ईथर होगा, वैसे नाम एथॉक्सी एथेन होगा,
ठीक इस तरह से, तो इसमें नहीं जाना है, ठीक बस इतना जानिए कि ये क्या है, ईथर बना है। चलिए तो इसको भी उच्चो स्क्रीनशॉट फटाक से कर लीजिए। चलिए हो गया, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक ईथर के रासायनिक गुण। ठीक ईथर के रासायनिक गुण है, पहला है कि बच्चों ईथर को जल के साथ गर्म करने पर, तो यहां पे लिखेंगे जल से क्रिया। हेडिंग बनाना चाहते थे बना सकते हैं, डोंट वरी, हमने बोला ना केवल रिएक्शन ही, आपको केवल समीकरण लिखना है। तो पहला है बच्चों जल से क्रिया, तो ईथर को जल के साथ गर्म करने पर संगत अल्कोहल का निर्माण होता है। तो भाई ईथर ले लीजिए, तो C2H5 इसकी क्रिया कराएंगे अपन किसके साथ, जल के साथ। जब जल के साथ बच्चों हम इसको गर्म करते हैं, ईथर को जब जल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो कह रहा है कि संगत अल्कोहल, ठीक यानी C2H5O यहां पर है, इसकी क्रिया S से करा देते हैं, ठीक तो यहां पर C2H5OH हो जाएगा। ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि ये पूरा ऋणात्मक पार्ट है, ठीक तो ये हाइड्रोजन ये प्लस आयन होता है, तो इसके साथ जुड़ गया C2H5OH हो गया, यहां से एक O लिया और ये H। अब इधर भी देखेंगे तो इधर भी तो वही सेम बन रहा है, यानी C2H5OH ये भी सेम, ठीक या भी इसको हम यहीं पर आगे दो लगा देते, टू C2H5OH, यानी इसका मतलब दो अणु हो जाता। तो ये क्या है कि जब ईथर को जल के साथ गर्म करते हैं बच्चों, ठीक जब क्या करते हैं ईथर को हम जल के साथ गर्म करते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। ये क्या है, वैसे नाम देखेंगे तो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बोलते हैं, ठीक। चलिए दूसरा क्या है कि ईथर की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराने पर एथिल आयोडाइड बनता है, ठीक। तो चलिए ईथर की ले लेते हैं बच्चों, तो C2H5O C2H5, आप जरूरी नहीं बच्चों यहां पर CH3 भी लिख सकते थे, यहां भी CH3, हमने बोला ना जरूरी नहीं, कोई भी चाहे सममित ईथर लीजिए असममित ईथर होना चाहिए, इतना याद रखना, ठीक। तो ईथर की क्रिया किससे कराना है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड HI से कराना है। HI से जब क्रिया कराना है बच्चों तो कह रहा है एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है, या सिंपल सी बात है लिख देना ईथर प्राप्त होता है, बस ये लिखने की जरूरत नहीं, ठीक इतना जानिए कि ईथर की क्रिया जब एथिल आयोडाइड से कराएंगे तो, ठीक सॉरी हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएंगे तो एथिल आयोडाइड या फिर हम लिख सकते हैं एल्किल आयोडाइड बनता है, ठीक यहां एथिल मेथिल प्रोपिल न लिखकर एल्किल आयोडाइड लिख देंगे बस। तो यहां पर क्या है, तो भाई C2H5 एथिल हो गया और यहां से आई ले लीजिए आयोडाइड, एथिल आयोडाइड हो गया और साथ में अब बचा गया C2H5, यहां से आई ले लिया तो C2H5OH यानी अल्कोहल बन गया, C2H5OH अल्कोहल बन गया। बात समझ में आई बच्चों, ये क्या है, तो ये है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, ठीक और साथ में ये अल्कोहल, ठीक एथिल अल्कोहल, तो ये बन जाता है। बात समझ में आई, चलिए तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। अब जो अगला टॉपिक है वो इस चैप्टर का सबसे दमदार टॉपिक है, शानदार मजेदार दमदार, ठीक। चलिए तो देखते हैं, पहला है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ये ऐसा नहीं कि बस एक सेट, ये तो भाई तीन तीन सेट में, चार सेट में, पांच सेट में, सब में लगातार पूछता है, क्योंकि बच्चों जो आपके नेमिंग रिएक्शन है, ठीक इतने सेट बनते हैं, पांच से सात सेट बनते हैं, हर चैप्टर में चार से पांच इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस तरह से टोटल इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें तो कम से मतलब ज्यादा नहीं 20 से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई वही सब में अगर दो से तीन दिया तो हो गए ना 21-22, तो इससे हो गए सात सेट बने। इसलिए बच्चों ये क्या होते हैं, सबके सब जो होते हैं, मान लेते हैं जैसे ये कम से कम दो से मिनिमम दो सेट में तो आता ही है, बाकी तीन सेट में भी, चार सेट में भी पूछ सकता है, बाकी एक सेट में तो जरूर दिखाई पड़ेगा,
ठीक। तो विलियमसन संश्लेषण होता क्या है बच्चों, देखिए जब एल्काक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। यानी ईथर बनाने की एक और विधि अपने को मिल गई। अगर भाई ईथर बनाना है तो हम विलियमसन संश्लेषण के द्वारा भी ईथर बना सकते हैं। इसमें क्या कह रहे बच्चों की एल्काक्साइड, तो यहां पर हम क्या है कोई एल्काक्साइड आर ओ एन ए जैसे धातु ऑक्साइड ले लिया है, कोई एल्काक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से यानी एच आई से, ठीक एल्किल हैलाइड कह रहा है यानी आर एक्स से एल्किल हैलाइड से कराते हैं, ठीक दो तरीके से यानी ये एक फार्मूला समझिए है, इसे कराते हैं तो ईथर बनता है। यानी आर यहां से ले लिए रसगुल्लों, एक ओ है और एक आर यहां से हो गया और प्लस क्या बचा एन ए एक्स बन गया सोडियम हैलाइड, ठीक है ना। बाकी वैसे अगर देखेंगे कोई कंपाउंड इसके स्थान पर रख कर देखते हैं तो जैसे क्या बनेगा भाई, यहां पर एल्किल है एल्किल ग्रुप है तो भाई कुछ भी ले लेते हैं, जैसे सी एच थ्री हम ले लिया बच्चों, सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एन ए, ठीक सी एच थ्री ओ एन ए हो गया और उसके बाद यहां पर भी सी एच थ्री हाइलाइड यानी एक्स के स्थान पे कुछ भी ले लेते हैं, सी एल ले लेते हैं, आई ले लेते हैं, बी आर ले लेते हैं, कुछ भी लीजिए, ठीक। जब इसकी क्रिया हम कराते हैं, जब इसकी क्रिया कराएंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, ध्यान से समझना, ईथर बनाना है अपने को तो सी एच थ्री ये वाला इधर से उठाया, एक ओ है ओ और सी एच थ्री यहां से तो सी एच थ्री हो गया और साथ में क्या बना बच्चों साल्ट बन गया एन ए सी एल, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया ईथर, ठीक ये क्या बन गया ईथर। वैसे नाम में अगर देखेंगे तो ये क्या है डाइमेथिल ईथर, ठीक क्योंकि दो बार है तो डाइमेथिल हो गया, डाइमेथिल ईथर है, ठीक। वैसे भी आईपीएससी में देखेंगे तो मेथॉक्सी मेथेन, बाकी जरूरत है नहीं, ठीक ये सब नाम की, केवल इतना जानिए कि ईथर बनता है, बात समझ में आई। तो ये है बच्चों विलियमसन संश्लेषण, और वहां पर इसमें भी बच्चों यही फायदा है कि इसमें भी आपको हिंदी नहीं लिखना रसगुल्लों, बोर्ड एग्जाम में आपको हिंदी बिल्कुल लिखने की जरूरत है ही नहीं। वहां पर पूछेगा कि भाई विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, कोष्टक में लिख देगा कि अब मतलब केवल समीकरण, ठीक व्याख्या करने की कोई जरूरत है नहीं, केवल समीकरण, इतना याद रखना। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। अगली अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया, या इसी को रीमर टीमन बोलते हैं, राइमर टीमन कहे या रीमर टीमन कहे दोनों सेम है रसगुल्लों, ठीक। तो राइमर टीमन या रीमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं बच्चों तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और इस अभिक्रिया को ही रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अब हमने बताया ना कि आपको इतना व्याख्या करने की जरूरत है नहीं, वहां पर केवल और केवल आपको समीकरण लिखना होगा, केवल रासायनिक समीकरण जो हम लिखने चल रहे हैं, इसलिए लिख दिया ताकि आप बच्चों याद कर सके इसको रट के, ठीक रट्टा मारिए कैसे भी करिए बच्चों, करना तो पड़ेगा ही क्योंकि ये 100% पूछे जाने वाले टॉपिक होते हैं। तो बच्चों फिनॉल है, फिनॉल में ठीक फिनॉल की क्रिया बच्चों किसके साथ कराते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं फिनॉल, ठीक फिनॉल, तो फिनॉल की क्रिया बच्चों फिनॉल में फिनॉल है तो ये OH लगाना पड़ेगा, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म CH Cl3 क्लोरोफॉर्म, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक यानी क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे और साथ में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलाएंगे बच्चों, तो जब ये मिला करके गर्म करते हैं तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो भाई जब गर्म करते हैं तो 333 केल्विन ताप होता है, 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, ठीक क्या बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक ये OH एल्डिहाइड जहां आ गया, एल्डिहाइड का मतलब ही होता है बच्चों CHO,
तो CHO जोड़ दिया। ठीक, एल्डिहाइड OH है, यहां पर CHO, CH एक O यहां से निकाल दिया। अब देखिएगा Na है और Cl है, इसका मतलब है डेफिनेटली बच्चों साल्ट बनेगा, NaCl यानी लवण तो बनना तय है रसगुल्लों, और साथ में जब H है OH है तो भाई जल भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा बच्चों। ठीक, ये चीज हो जाता है, लेकिन इस रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। आई थिंक ये बैलेंस है नहीं, हाँ बिल्कुल संतुलित नहीं है बच्चों। देखिए तीन Cl यहां पर है, यहां पर रसगुल्लों Cl एक है, इकलौता है, तो अपन तीन लगा देते हैं। अब जब तीन Na हो गया, सोडियम हो गया बच्चों, तो तीन सोडियम भी तो करना पड़ेगा, बात समझ में आई। चलिए ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो भाई दो है एक है, ठीक। हाइड्रोजन देखते हैं, तीन एक चार हो गया, तो एक दो, एक मिनट देख लेते हैं सब कुछ। ओके, एक ओ है और तीन एक चार हो गया, एक दो एक तीन नहीं होगा, यहां पर दो लगाना पड़ेगा। ठीक, अब बराबर है, अब बात बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक, सैलिसिल एल्डिहाइड ये प्राप्त होता है। क्लियर हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों राइमर टीमन अभिक्रिया या रीमर टीमन अभिक्रिया। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक हो गया बच्चों, चलिए देखिए ये नाम भी जरूरी है, अगर नहीं भी लिखा हो तो नाम जरूरी है बच्चों। फिनॉल है, ये क्लोरोफार्म है, ठीक, क्लोरोफार्म, और ये तो क्या है, क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन को। अगली अभिक्रिया है बच्चों, अगली अभिक्रिया है कोलबे स्मिट अभिक्रिया या कोलबे अभिक्रिया के लिए बोलेगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, कोलबे अभिक्रिया या फिर कोलबे स्मिट अभिक्रिया। ठीक, चलिए चलिए बच्चों देखिए कोलबे अभिक्रिया होती क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड 4 से 8 एटीएम यानी एटमोस्फेयर दाब तथा 398 से 413 केल्विन ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो अम्ल के द्वारा अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, तो इस अभिक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, कोलबे अभिक्रिया कहते हैं। अब हमने बोला ना कि ये आप मत देखिए जो हिंदी में इतना छपा है, क्योंकि आपको वहां पर ये रामायण ये गाथा लिखना नहीं है, हम बार बार ये चीज बता रहे हैं रसगुल्लों, आपको वहां पर ये नहीं लिखना है, केवल और केवल जो समीकरण हम लिखते हैं वही लिखना है। ठीक, तो ये किस लिए, तो ये आपकी सुविधा के लिए कि भाई अगर नाम भी भूल जाओ क्या चीज है, ये कौन सा कंपाउंड है, तो आप कभी भी उठा के इसको देख सकते हैं और ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगे, बात समझ में आई रसगुल्लों। चलिए, तो भाई कह रहा है कि सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड चलिए ले लेते हैं, ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक, किसकी उपस्थिति, मतलब ये इतना क्या है, इतनी परिस्थितियां हैं, इस CO2 के साथ क्रिया करेगा, CO2 के साथ जब क्रिया करता है बच्चों किसकी उपस्थिति में, तो यहां पर दे रखा है 4 से, ठीक, पहले ऊपर टेम्परेचर लिखेंगे, 398 से 413 केल्विन ताप पर और 4 से 8 एटीएम यानी वायुमंडल दाब पर, जब क्या है CO2 के साथ क्रिया करता है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। ठीक, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, ठीक, यहां पर O सोडियम सैलिसिलेट, एक मिनट, यहां पर OH हो जाएगा बच्चों और ये सोडियम सैलिसिलेट COONa, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। ठीक, अब सोडियम सैलिसिलेट बन गया, उसके बाद क्या बनेगा, ध्यान से समझना, और ये जो है ये कह रहा है कि HCl के द्वारा,
ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा फिर से अपघटित किसमें हो जाएगा, तो ये अपघटित हो जाएगा आपका, एक मिनट, चलिए ये अपघटित किसमें हो जाएगा, तो ये अपघटित आपका हो जाएगा बच्चों सैलिसिलिक अम्ल में, ठीक, COOH हो जाएगा, ये सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा, यहां पे COOH यहां से ले लिया, अब Na और Cl, ये फिर NaCl बाहर निकल गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये जो रिएक्शन होती है इसका नाम क्या होता है, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। ये क्या है, तो इसे बोलेंगे बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड है, ठीक, और ये क्या है, तो ये है आपका सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक, ये क्या है, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट हो गया, क्लियर। अब उसके बाद फिर ये HCl के द्वारा अपघटित होकर ये बना रहा है सैलिस, मतलब सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाती है जब सोडियम फिनॉक्साइड को 398 से 413 केल्विन ताप पर या 400 मतलब 404 से 8 वायुमंडल दाब पर जब इसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सबसे पहले सोडियम सैलिसिलेट बनता है, ठीक, सोडियम सैलिसिलेट बन जाता है, क्योंकि बच्चों देखिए यहां से Na हटाया तो ये यहां Na हो गया और यहां पर COO है तो ये COO हो गया, और चूंकि बच्चों हर कार्बन पर हाइड्रोजन होता है तो ये AH जुड़ गया है। अब ये चीज फिर से जब इसके साथ क्रिया करता है HCl के साथ तो यहां पर Na के स्थान पर ये क्या हो गया, यहां पर जुड़ गया H, अब यहां से Na निकला, ये Cl है तो ये NaCl यानी साल्ट या फिर लवण बाहर निकल हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हो जाएगा आपका कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है, उम्मीद है बच्चों ये वीडियो बेहद हेल्पफुल रही होगी आप सभी के लिए, और इस टॉपिक में मतलब इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सबको हमने कवर करवा दिया है। भाई मैं भी हो सकता है इधर उधर, लेकिन बच्चों वन शॉट है तो वन शॉट में अपने को वही देखना है जो पेपर में आएगा, ठीक, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसका निपटारा कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।